हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द 10 स्टार। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर ट्रैक। एंड भाई, इसकी तीन चार दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी, खफा करो, खफा का ट्रैक आया है, खाना बदोश का नया ट्रैक आया है, सिक्स ट्रैक फ्रॉम दैट। सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन बिकॉज झोंके है इसमें तला यूनुस के साथ। तला यूनुस है, मुझे और कोई नहीं चाहिए भाई, तला यूनुस है। एंड वी आर एक्साइटेड फॉर दिस वन क्योंकि इसकी बहुत रिक्वेस्ट आई है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स बिगिन विद दिस ट्रैक। एंड बट बिफोर स्टार्ट द ट्रैक गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अगर आपकी दिल की भी घंटी ऐसे ही बज रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ की जो घंटी बटन है उसे भी दबा दो। यस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इट्स अ लिरिकल वन। Okay. The hook one. बातचीत कहानी बड़ी डार्क थी फिर भी शाइन करे भाई जैसे डायमंड, तू रे आना जैसे देती मुझे टाइम कम, शाइन करे जैसे डायमंड तू टाइम देती कम जैसे नहीं के टाइम बम लव्स तोड़ देता कैसे पढ़ेंगे फिर राइम्स कम, मेरे आगे क्यों दिखा रही होगे माइंड बंद, मेरे आगे सारे लेबलों की ग्राइंड कम, जिस भी गाने पे मेरे आगे लेबलों की ग्राइंड कम। एंड भाई ये बात सच है भाई, बंदे की कंसिस्टेंसी और यार मतलब वी चलो वो बारे में बात करते हैं। क्यों दिखा रही होगे माइंड बंद, मेरे आगे सारे लेबलों की ग्राइंड कम, जिस भी गाने पे आ जाता वो रिवाइंड पर, आज भी कहता हूँ मैंने म्यूजिक को दिया टाइम कम। छोड़ा अपना घर अपना शहर अपने दोस्त यार, स्कूल मारा बंक जोखे मिलने आता रोड पर, खाने वाले तंग खाके भागे बीते बहुत। अच्छा मुझे नहीं पता था जोखे एंड तला यूनुस आर स्कूल फ्रेंड्स, चलो ये भी पता लग गया कि बंक करके दोनों मिला करते थे। नाइस। स्कूल मारा बंक चौके मिलने आता रोड पर, ढाबे वाले तंग खाके भागे बीते बहुत बार, तमाशे की उम्मीद से ना आना मेरी मौत पर, रोजी रोटी देने वाला रख क्यों ले कोई शॉर्टकट, दुनिया से सीख तेरा छोड़ा अपना शौक नहीं, करना था हिप हॉप पर क्या चले सिर्फ पॉप भाई, खुद बेचोगे पास तब जाके मिलता था स्लॉट भाई, मेहनत के बलबूते आज यहाँ पे खड़ा चौक नहीं, लिए थे जो शॉर्ट्स वो चंदा भरा हिप हॉप, रियल टॉक मेरे बारे ज्यादा भौंक नहीं, ऑन द रॉक ट्रेंडिंग चार्ट्स के अब टॉप पे, हम गाने डाले बिना प्रमोशन के यही अब नौकरी, रोजाना मेरी मौत के मातम में उसी रात निकले गाने अतराना मेरा जहर भाई। बदोश का ये एल्बम का ट्रैक है। हाँ सिक्स ट्रैक बता दो, कहाँ ध्यान था भाई। यार बड़ा वर्स, यार क्या वर्स था भाई, मजेदार। क्या
देर रात बेचैन उठा बिस्तर से पहुंचा स्टूडियो और करने बैठा बने रिजला लेके शराब बैठा टूटे कितने आज तक ये गिनने में ख्वाब बैठा फर्क पड़े क्या बची हुई हसरत से सोचता मैं कसरत से ढूंढने जवाब बैठा सवालों के हल मिले शायरी में लफ्ज इतने लिखे जैसे लिखने किताब बैठा क्या मैं असली हूँ क्या मैं जाली हूँ क्या मैं इल्म का खजाना या खाली हूँ क्या मैं फैज हूँ या शायरी मिसाली हूँ क्या मैं खुसरो पतरस या हाली हूँ क्या मैं नशे में आंखों की लाली हूँ मुंह से जो निकले गुस्से में गाली हूँ क्या मैं बसता दिलों में हूँ सबके कान तरस गई जो सुनने को ताली हूँ लेकिन कभी कभी लगे जैसे इधर सभी काटने को ढूंढते जो पर थे बड़े ही नहीं कभी अभी अभी आंखें नीचे आवाज अभी ऐसा लगे खुद के लिए हम थे लड़े ही नहीं कैसे हार मानू कैसे जाने दूं मैं बेशक साथ मेरे लोग थे खड़े ही नहीं आज बीज बोए तो कल पेट भरे पेड़ कैसे फल दे जिसकी जड़े ही नहीं आंखें बंद सोचे छू रही आसमां और मैं आस पे की किस्मत आवाज देगी मैं कैसे उठूं रोज लड़ू दुनिया से जब आदत पड़ी हुई बिस्तर पे नाचते की सिलसिला खाक देगी तो हसल अंधेरे में क्या चिराग देगी भाई आप सोच नहीं सकते जो लाइन आती है ना मतलब मैं जाती है सही में यार क्या मतलब क्या लाइनें लिखते हो यार मतलब ये सच में हर बार गाने लिखते हुए ना पेपर फाड़ देते होंगे आग लग जाती होगी इतना जहरीला लिखते है ना ये लौंडे सारे मजेदार यार मजा ही आ गया नाचते की तो हसल सिला खाक देगी तो हसल अंधेरे में क्या चिराग देगी तो हसल करने से कभी थकता नहीं आज भी तो हसल मेरा सालों साल साथ देगी वाव आज माले जीते आते तुझे टोट के एक बार मुझे फेरा फिर नहीं आता लौट के मैं तो इधर ही हूँ जैसे जागीर मेरी गिरने से डरे ना जो आधी बड़ी छोट के मुझसे बात करदा सोच के मैंने वक्त सहे अच्छे बुरे रोज के लाशें पड़ी देखी साइडों पे रोड के हम तो मुसाफिर बने फिरे यहाँ मौत के सदा बने मेरा दर्द मेरी कला बने मैं अगर जख्मी तो गाने मेरी दवा बने उड़े हवा बने कौन किसका भला बने जो जिसकी हसल करे उसी की तो जगह बने कैसे शेर मेरी शायरी में शफा बने काटने को दौड़े या कौन किसका सगा बने लफ्ज आतिश जलने की वजह बने मेरे मरने बाद मेरे गीत मेरे गवाह बने कौन है तू Loved it. भाई साहब क्या ही अच्छा हुक पार्ट तो अच्छा था ही लेकिन भाई लिरिक्स अच्छा लिरिक्स भाई मचाई है लिरिक्स में इतना इतना डीप मीनिंग थे ना मतलब ऐसा मतलब साफ सुन के पता लगा था कि दिल से लिखे गए हैं तभी वो दिल तक पहुंच रहे थे इतने अच्छे लिरिक्स और साथ में इतना सही ट्रैक और मुझे तला यूनुस का तो मुझे तला यूनुस का तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं फ़ैन हूँ लेकिन मुझे इस बार JJ 47 का वर्स भी बहुत अच्छा लगा दोनों के वर्स बहुत बहुत शानदार थे मतलब दिल से दिल तक आ गए आई एंजॉयड इट आई लव्ड इट मतलब आई कैन से ये मेरे प्लेलिस्ट में जाने वाले ऑन रिपीट भाई खफा सिक्स ट्रैक तभी इसकी इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सुनो सुनो भाई यू विल लव इट एंड यू नो जब कोई ऐसे गाने होते हैं ना जहाँ पे आर्टिस्ट इज बीइंग सो रॉ एंड मतलब ये जो स्टोरी टेलिंग में आ जाते हैं आई जस्ट लव दोस ट्रैक्स ये गाना नहीं था ये जादू था इतना मजेदार था ना ये मतलब क्या ही लिखा है भाई क्या ही लिखा है तबाही मचाई है बहुत शानदार बहुत मज़ेदार एंड बिग थम्स अप टू जोके तला यूनुस एंड JJ 47 वी एंजॉयड इट वी लव्ड इट एंड
हम होप करते हैं कि हमें म्यूजिक वीडियो देखने को ज्यादा मिले, बट गाइस इतने ट्रैक आते हैं ना इनके, तो बनता है इनका यार लिरिकल वीडियो निकालना। बहुत मेसमराइजिंग था, मजेदार। एंड आप बताओ गाइस आपको ये ट्रैक कैसा लगा, गिव योर 10 स्टार रेटिंग डाउन बिलो। एंड गाइस यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, Facebook, Twitter, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड वन लास्ट थिंग गाइस, डू रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय बाय।